करीटरला नो डाउट कारण शंका घेण्यासारखं कारणच नाहीये। तो बंटी आणि हा पुरस्कार आमंत्रित पुरस्कार देण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय सन्माननीय संजयजी वाघमारे जे आमचे वावरले ग्रामपंचायतचे सदस्य आहेत भिलवले गावचे रहिवासी आणि वावरले ग्रामपंचायतचे सदस्य सन्माननीय संजयजी वाघमारे यांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण बंटी साळुंके याला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार प्रदान करायचंय। कशाळे टीमचा हा खेळाडू ज्याने जबरदस्त फटकेबाजी केली तीन षटकार लिलया एक लॉन्ग ऑन त्यानंतर आला मिड विकेट आणि त्यानंतर आला डीप मिड विकेट असे जबरदस्त षटकार लगावले। निश्चितच एक जबरदस्त आवाज या ठिकाणी आपण पाहतो ते आमचे शौर्य डीजे ज्यांनी तमाम प्रेक्षकांपर्यंत आमचा आवाज पोहोचवलाय आणि एक सुमधुर संगीत त्यांच्या माध्यमातून वाजवलं जाते। मगसपासून बरीचशी चांगली चांगली गीतं आणि खऱ्या अर्थानं महापुरुषांची आठवण ते करून देत आहेत कारण महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत राजेशिव छत्रपती त्यानंतर क्रांतिसूर्य ज्योतिबा फुले त्यानंतर भारतरत्न विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील त्याचनंतर राजर्षी शाहू महाराज अशा तमाम महापुरुषांची आठवण ते आपल्याला या ठिकाणी करून देत आहेत। अगदीच बराचसा वेळ एक तासभर त्यांनी बाबासाहेबांची आठवण करून दिली आणि ते म्हणतात की यानंतर आम्ही निश्चितच शिवरायांची आठवण या जनतेला करून देणार। तोपर्यंत मी विनंती करतो की आमचे एक हिंदी राष्ट्रीय भाषेचे समालोचक प्रवीणजी दुगाडे साहेब आपण व्यासपीठावर यायचे। सुनील नॉन स्ट्राइकर एंडला विशाल धोनी ही बंधू गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज पहिला चेंडू जबरदस्त फटका क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येईपर्यंत चेंडू लॉन्ग ऑफ सीमारेषे पलीकडे चौकार चार धावा। सुनील स्ट्राइकर फलंदाज सुनील नॉन स्ट्राइकर विशाल दोन्ही बंधुराज या ठिकाणी आपण फलंदाजीसाठी पाहतोय। हा चेंडू जबरदस्त फटका पुन्हा एकदा अलॉंग द कार्पेट लॉन्ग ऑफ रिजन मध्ये येतोय क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येईपर्यंत चेंडू सीमा पार चौकार। बॅक टू बॅक दोन चौकार आले सततचे दोन चौकार चौकार हॅट्रिक पूर्ण करणार का चौकार हॅट्रिकच्या उंबरट्यावरती आपण पाहतोय गोल फलंदाज सुनील आपली हॅट्रिक पूर्ण करतोय का। हा चेंडू अगदीच ऑफस्टिकच्या समोरून चाललाय निर्धाव चेंडूची सांगता येते बॅक टू बॅक दोन चौकार आणि त्यानंतर आलेला हा निर्धाव चेंडू गोलंदाजाला मात्र दिलासा मिळतोय कारण सुनील चा विचार केला
मोठे फटके मारण्यामध्ये माहिर आहे, षटकार आणि चौकारांची आतषबाजी करण्यामध्ये माहिर आहे. हा चेंडू पुन्हा एकदा डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून भिरकावला. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे धावतोय, जोपर्यंत चेंडू पकडणार फेकणार तोपर्यंत चेंडू सीमापार चौकार. निश्चितच एक घटनापती आणि दुसरे छत्रपती, कारण छत्रपती शिवाजी महाराज आणि घटनापती बाबासाहेब आंबेडकर. यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडू भिरकावलाय फाईन लेग रिजन मध्ये, तर क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे, चेंडूची उचल फेक करणार. तोपर्यंतची त्याच्या चपळाईने दोन धावा सहज पूर्ण केल्या जातात. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट सुनील आणि विशाल. धावा संख्या होती धावफलकावरती 14 धावा. पहिलं षटक प्रगतीपथावर आहे आणि धाव संख्या झाली आहे ती 14 बिनबाद 14. सुनील चांगला फलंदाज आहे, विशाल चांगला फलंदाज आहे. विशाल निश्चितच एकलव्य भिलवे टीमचा सध्याचा कणा ज्याला ओळखला जातो तो विशाल. नॉन स्ट्रायकर एंडला उभा आहे, स्ट्रायकर एंडला सुनील, ज्याचा मोठा बंधू विशाल याचा जो फलंदाजी करतो आणि चांगली फलंदाजी, चौफेर फटकेबाजी पाहायला मिळतीय. यावेळेस मात्र पंचांकडे कुठली अपील केली होती पंचांनी फेटाळले. षटक संपल्याचा निर्वाळा येतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला, मॅनेंट्री पॉवर प्लेचं षटक संपलं आणि धावसंख्या झाली आहे 3 चौकारांच्या सहाय्यानं 14 धावा बिनबाद 14 डीजे. थँक यू डीजे. पहिलं षटक संपलं, दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाज प्रवीण. हा चेंडू चांगला आहे, यावेळेस थोडीशी मिसफेल आणि एक चोरटी धाव, कारण विशालनं पाहिलं सुनील मोठे फटके मारतोय. अगदीच दोन्ही संघाचा विचार केला तर एकलव्य भिलवले निश्चितच अगदी जवळचं आहे, त्यांचं घरचं मैदान बोलत तरी चालेल. आणि वाघेरा हा जो पनवेल परिसरातून बिलॉंग करतो, बऱ्याच अंतरावरून या ठिकाणी आपण संघ पाहतोय. निश्चितच आयोजकांचं कौतुक करायला पाहिजे, कारण पनवेल तालुका असेल, नवी मुंबई असेल, त्याचनंतर लोणावळा, अशा बऱ्याचशा ठिकाणावरून हा चेंडू जबरदस्त फटका, पॉइंट सीमारेषे पलीकडे आलेला दर्जेदार षटकार, सॉरी चौकार. एकलव्य भिलवले, कारण सुनील वाघमारे असेल, त्यानंतर विशाल वाघमारे, सुदाम असेल, रामदास असेल, आणि यावर्षी ज्यांनी रिटायरमेंट घेतली आणि राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली ते संजय वाघमारे असतील,
निश्चितच ही वाघमारे बंधूंची टीम एकलव्य भिलवली आणि सुनील जबरदस्त फटकेबाजी करतो. यावेळेस पुन्हा एकदा क्रिकेटचं मादक सौंदर्य दाखवलंय. पुन्हा एकदा पॉइंट सीमारेषेपलीकडे आलेला हा चौकार आणि या स्पर्धेतील खऱ्या अर्थाने सुनीलचा हा चौथा पाचवा चौकार आपण पाहतोय. सुनील वाघमारे जबरदस्त फटकेबाजी करतोय. पुन्हा एकदा शॉट तडबॅन सीमारेषेपलीकडे, तडबॅन सीमारेषेपलीकडे आलेला हा चौकार. सहा निश्चित सुनील वाघमारेने आतापर्यंत सहा चौकार लगावलेत. एकलव्य भिलवले बनाम वाघेरा सहा चौकार ज्याच्या माध्यमातून आतापर्यंत पाहायला मिळालेत, त्यापैकी चार चौकार पॉइंट आणि गलीच्या मधोमध, त्यानंतर दोन लॉंगॉनला. हा चेंडू पुन्हा एकदा चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे, चेंडूची उचलफेक करणार पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक. तोपर्यंत मात्र एक धाव मिळतीये आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं धावसंख्या होती धावफलकावरती 28 धावा दुसऱ्या षटक प्रगतीपथावर. आणि जो कणा म्हणला जातो विशाल वाघमारे, ज्याला चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये सुद्धा आपण पाहिलं असेल प्रवीण, हा चेंडू जबरदस्त फटका. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे आणि चांगला झेल टिपलाय. फलंदाज बाद होतोय विशाल वाघमारे. धावा धावफलकावरती आल्यात. एक फलंदाज बाद झालाय तो विशाल, नवीन आलेला फलंदाज सुभाष. सुभाष लेफ्ट हँडेड बॅट्समॅन. आपण पाहतोय दोन षटकांचा खेळ संपलाय. पहिलं षटक या ठिकाणी टाकलं गेलं, त्यानंतर दुसरं षटक टाकलं गेलं. दोन्ही षटकामध्ये सुनील वाघमारे याचा दबदबा आपण पाहिला, कारण एकलव्य भिलवलेचा सुनील वाघमारे आणि यंगस्टार चिंचखांबळाचा सुनील मुकणे, खऱ्या अर्थाने दोन्ही मातब्बर खेळाडू. सुनील मुकणे सध्या रेस्ट घेत आहेत, कारण तब्बल 3 मॅच पंचांची भूमिका ज्यांनी निभावली आणि खऱ्या अर्थाने त्यांचे पाय दुखायला लागले, ते थोडीशी रेस्ट आपल्याला पाहायला मिळते, विश्रांती त्यांच्या माध्यमातून घेतली जाते. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज हा चेंडू चांगला या ठिकाणी मात्र अफलातून झेल मिडविकेट सीमारेषेच्या नजदीक अफलातून झेल पाहायला मिळतोय आणि फलंदाज बाद सुनील. चैत्र महिना निश्चितच प्रत्येकाने एकवीरच्या पायथ्याशी जावं, दर्शन घेऊन यावं, कारण हा पवित्र महिना मानला जातो. चैत्र महिना एकवीर आईसाठी तरी निश्चितच पवित्र आहे आणि या महिन्यामध्ये आपण एकवीरा देवीची एक पायरी का होईना, आपली जायला हवी चढायला हवी. यावेळेस हा चेंडू चांगला, अतिशय चांगली गोलंदाजी, पण काहीपेक्षा कौतुक करायला लागेल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिझन मध्ये उभा असलेल्या क्षेत्ररक्षकाचं. अंतिम क्षणापर्यंत चेंडूकडे पाहत राहिलं आणि झेल टिपलंय. निश्चितच वाघेरे टीम साठी या ठिकाणी बक्षीस येत आहे.
षटकार त्या ठिकाणी स्वयंसेवक आहेत त्यांच्याकडून मात्र षटकार घोषित होतोय. निश्चितच सावरीची बॅट हा खऱ्या अर्थाने एक धूळ आहे. हे जुन्या काळातल्या बॅट आहेत कारण त्या काळात बरेचसे फलंदाज पण आमचा आपला कादरी सुद्धा सहा सहा षटकार मारायचा अचानकच्या ग्राउंडवर. एक जबरदस्त गोलंदाजी आणि तितकीच चांगली फलंदाजी आपण पाहतोय. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती आली आहे. तिसरा षटक प्रगतीपथावर असताना 35 षटकार चौकारांची आताशबाजी तर होती आहे. एकेरी दुहेरी धावांची आताशबाजी होती या सामन्यामध्ये ना अगदी मंत्रमुग्ध केलंय कारण क्षेत्ररक्षण वागेरे टीमचं पाहिलं जबरदस्त. अखेरच्या क्षणापर्यंत चेंडूवरती नजर आणि टिपलेली झेल अतिशय चांगली. पण एक झेल मात्र निश्चितच त्यांची थोडीशी मिसअंडरस्टँडिंग आणि तो षटकाराला टच झाला, सीमारेषेला टच झाला. मात्र तितकीच चांगली त्यांनी टिपलेला झेल कारण उंचीवरून येणारा चेंडू रात्रीच्या वेळेस थोडासा कमी प्रमाणात दिसला जातो. हा चेंडू जबरदस्त आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे. चांगला झेल टिपलाय. फलंदाज बाद सुभाष. प्रतिनिधित्व खऱ्या अर्थानं सात समुंदर पार ज्यांनी भारताचं नाव आपल्या रायगड जिल्ह्याचं नाव रोशन केले. आकाश तारेकर, विश्वजीत ठाकूर, त्याच्यानंतर सुमित ढोंगडे, किरण पवार, योगेश पवार, योगेश पेणकर, पंकज जाधव माठ्या. खऱ्या अर्थानं बऱ्याचशा लोकांना माहित नाही पंकज जाधवचं खरं नाव. तीन षटक संपली. धावसंख्या झाली धावफलकावरती 35. चौथा षटक प्रगतीपथावर आहे. रायगड खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं तर एक टेनिस क्रिकेट मधले सर्वोत्तम खेळाडू जर तुम्हाला कुठे मिळत असेल तर रायगड जिल्ह्यामध्ये भेटतील. निश्चित 20 वर्षापूर्वीचा काळ प्रवीण सर खूप जुना काळ होता. पण ज्यावेळेस SP11 दादर ती सहज येऊन आपल्याला हरवून जायची. मुंबईची राहुल, बरेचसे असे मुंबईचे खेळाडू होते जे रायगडला यायचे, रायगडच्या टीमला हरवायचे. निश्चितच 25% खेळाडू रायगडचे असतात. जगातली कितीही मोठी टुर्नामेंट असू द्या, TNPL असो, शारजा असो, तुमची एशिया चषक झाला त्याच्यामध्ये रायगडचे प्लेयर खेळले. तर जगातली टेनिस क्रिकेटची कुठलीही मोठी श्रृंखला असेल, कितीही मोठी, त्याच्यामध्ये रायगडचे 10 खेळाडू तुम्हाला 100% पाहायला मिळतील. 30 ते 32 हा आकडा आहे पण 10 मी सांगतोय 100% पाहायला मिळतील. हेलो, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कृष्णा भावर, रायगढ़ के खिलाड़ी जो है ना आजकल जो व्यावसायिक स्तर पे क्रिकेट हो रहा है, चाहे कोलकाता हो या व्हाइट बॉल का इशारा आ चुका है और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल आ चुका है 36. देखिए रायगढ़ टेनिस की दुनिया आजकल काफी आगे जा चुकी है. 30 से 32 प्लेयर आपको किसी ना किसी टीम में कितनी भी बड़ी प्रतियोगिता क्यों ना हो वहां पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे. ये रायगढ़ क्रिकेट ने प्रोग्रेस की है. आहा, जबरदस्त फटका सुनील
देश बैट मधून आलेला हा एक दर्जेदार षटकार। प्रवीण निश्चितच सुरुवातीच्या काळामध्ये एक दोन तीन नावं अशी फेमस होती, जसं विश्वास पाटील असेल तोंडऱ्याचा, लोकांना तोच माहिती होता, आकाश तारेकर, उस्मान पटेल हीच माहिती होती, पण जे आता या 5-6 वर्षामध्ये प्लेयर तयार झालेत ना, खऱ्या अर्थानं जबरदस्त, आणि त्यांनी त्यांची दाखवलेली क्षमता, रजत मुंडे असेल, किरण पवार असेल, बंटी भद्रिके असतील, मयूर वाघमारे, अंगद पाटील, अतिशय चांगले खेळाडू आहेत, गुणवत्ता आहे त्यांच्याकडे, आणि त्यांनी गुणवत्ता सातत्याने सादर केली, सिद्ध केली। कारण रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये जर का पाहिलं तर मयूर वाघमारे तिथे एक आहे, अंगद पाटील एक आहे, एक जबरदस्त गोलंदाज, यावेळेस वाईट बॉलचा इशारा येतोय, अवांतर धाव मिळतीय, आणि या अवांतर धावेच्या बरोबरीनं धावसंख्या 45 धावा, चौथं षटक प्रगती पथावर आहे। स्ट्रायकर एंडला फलंदाज नितेश, नितेश नॉन स्ट्रायकर एंड, हा चेंडू चांगला आहे, पंतनकडे अपील केली जाते, मात्र या ठिकाणी स्वतः फलंदाज बाहेर निघतायत। डीजे मास्टर मायक्रोफोनचा आवाज कमी झालाय। शौर्य डीजे के मालिक प्रोप्रायटर महेंद्र यहाँ पे पहुंचे हुए, अलीबाग यकीनन अलीबाग से यहाँ पे पहुंचे, बहुत मेहनत लेते प्रवीण जी, बहुत मेहनत लेते हैं, बहुत कुछ सीखना है उन्हें, और यकीनन मैं आपको उनकी तरफ से गवाही दूंगा कि अगले साल जब आप आओगे तो यहाँ पे उनमें बहुत सी जो कमियां है वो अच्छी होंगी और बदलाव मिलेगा। यावेळेस पुन्हा एकदा आपण मैदानाकडे जातोय, हा चेंडू चांगला आहे, चेंडू फळीचा संपर्क नाही आहे, निर्धाव चेंडूची सांगता होते, आणि निर्धाव चेंडूच्या सांगतेनंतर धावसंख्या स्थिर स्तब्ध शांत 45 या धावसंख्येवरती। एकलव्य भिलवले टीम प्रथम फलंदाजी करतोय, शेवटचं षटक प्रगती पथावरती आहे, चांगली धावसंख्या ज्यांनी जमवली आतापर्यंत। हा चेंडू चांगला आहे, लॉंग ऑफ मध्ये येतोय, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे, चेंडूची उचल फेक करणार, तोपर्यंत चित्त्याच्या चपळाईने दोन धावा सहज पूर्ण केल्या गेल्या, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 47 धावा धावफलकावरती आल्यात, 4 षटकांचा खेळ संपलाय, आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 47, विजयासाठी गरज असणार आहे ती 48 धावांची ती वाघेरा टीमला। नेक्स्ट मॅचचा टॉस माता क्रिकेट क्लब चितकबरा ऑर्गेनाइज ये प्रतियोगिता, जहां पर बिरवली टीम ने काफी अच्छे रन बनाए, वहां पे स्कोर कार्ड के ऊपर अगर रन हम देखेंगे तो टोटल आ चुका है 47 जीत के लिए, 48 रनों की जरूरत प्रति ओवर 12 की औसत से रन बनाने होंगे। लेकिन क्रिकेट में ये कहावत है दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट, क्रिकेट में कोई भी चीज मुश्किल जरूर होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती, नामुमकिन को मुमकिन आपको बनाना आना चाहिए, हारी हुई बाजी को जीतने वाले को ही लोग बाजीगर कहते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ भिलवले टीम अपना फील्ड सेट कर रही है, अपोजिशन से ये सोच रही है कि 12 के औसत से 48 रन किस तरह से पूरे किए जाए, अपोजिशन टीम है उनके सामने वाघेरा, पनवेल, और हमारे साथ हमारे शिष्य जुड़ चुके हैं
मारुति पवार, पवार का पावर। लेकिन अब देखना यह होगा वाघेरे के बल्लेबाजों में कितना पावर है, कितना दमखम है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये देखना जरूरी है वाघेरा के बल्लेबाज नंबर 13 और नंबर 17 की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर मैदान के ऊपर उतर चुके हैं। लेकिन क्रिकेट हमेशा ये कहा जाता है कि जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत। क्रिकेट में एक मैं बात आपसे मारुति जरूर कहना चाहूंगा, क्रिकेट में एक कहावत है कि आप अगर सोचे समझे और दिमाग के साथ क्रिकेट खेले तो 330 रनों का भी पीछा हो सकता है, 350 रनों का भी पीछा हो सकता है 50 ओवर के वनडे मैच में। लेकिन आपकी सोच पॉजिटिव होना चाहिए। एक ही है, देखिए हमारी जिंदगी में एक ही ऐसा काल आया था जहां पर हम पॉजिटिव से डरते थे, कोविड पॉजिटिव। कोविड निगेटिव आया तो खुश होते थे हम, लेकिन जीवन में हम हर एक बात को पॉजिटिव चाहते थे। लेकिन एक ही बात थी कोविड जो निगेटिव आए, जब टेस्ट किया जाए तो हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला बल्लेबाज संतोष को। संतोष और जयेश प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी टीम वाघेरा की तरफ से आ चुकी है। लेकिन गेंदबाज की बागडोर संभालते हुए यहाँ के लोकल बॉय विशाल भिलवले के लोकल बॉय विशाल राइट आर्म ओवर द विकेट फ्रंट पे आके इस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की थी, डॉट गेंद आई, रुकावट टोटल वहीं पे एक रन। देखिए आपको रन बनाने हैं 12 की औसत से 48 ऐसे में शुरुआती मैंडेटरी पावर पे में रन आना जरूरी है। अगर यहाँ पे रन नहीं आएंगे तो आप रन बना नहीं सकते। अगले तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन भास्कर और हमारे संजय जो काफी अच्छी दोस्त है, संजय एक और जो जाड़ा है जाड़ा वो भी हमारे अजीज दोस्त है वरना उनको गुस्सा आएगा। हाँ ये है और हमारे अंकुश मुकणे किंग मेकर। सर जरूर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज का बातचीत करें, लेकिन बॉडी लैंग्वेज के इधर उनके ध्यान देना हमारी गलती हुई, क्योंकि इस बॉडी लैंग्वेज के वजह से अगर हम बोले ना तो 4 रन ये भी दौड़ सकते। देखिए मैं सुनना में जब क्रिज के अंदर उतर आ ही नहीं सकता, लेकिन जब इन्होंने डे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की थी, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी डे टूर्नामेंट में जिस तरह से उन्होंने मेहनत की थी वो देखते हुए मैंने नाइट टूर्नामेंट इनकी ऑफर की थी। ये अनपेड शॉट है, यहाँ पे उंगली उठी अंपायर की, क्योंकि एक्शन ही नहीं थी बल्लेबाज की, बल्लेबाज की कोई एक्शन नहीं थी। रिप्ले अगर आप देखेंगे हमारी आज की आखिरी रात है, लेकिन अंकुश मुकणे इन्होंने हमसे वादा किया है आज की रात जितना भी खर्चा होगा वो उठाएंगे। क्यों संजय ठीक कहा ना मैंने? बोल हाँ। ग्राम पंचायत सदस्य निखिल पवार इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुके हैं इस प्रतियोगिता के लिए। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी भिलवले की गेंदबाज ने वापसी की है, डॉट गेंद डाली। और क्रिकेट में एक कहावत है, आपको विकेट कितने मिले 4 गेंदे में 4, उसके बाद अगर आपने दो छक्के काए तो महत्व नहीं है। लेकिन आपने 6 गेंदे डाली, 3-4 रन वाला ओवर किया तो उस गेंदबाज को माना जाता है इस खेल में। लगातार दूसरी डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई है। ओवर की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 48 का पीछा करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 पे खेल रही है। काफी अच्छा ओवर किया गेंदबाज विशाल ने। डीजे ठोप
जितना ठोकना है। दो ही रन आ चुके हैं, 40 की दूरी है, गेंदे बची है 18। बिलावल टीम तो अपने उफान पर है, उन्होंने पहले अच्छी बल्लेबाजी की, उसके बाद उनके गेंदबाज विशाल ने अच्छी गेंदबाजी की, महज 2 रन दिए। लेकिन अपोजिशन में जो खेल रही है टीम वगैरह, उनके अपने बल्ले का जोहर दिखाना होगा। 18 गेंदे 46 रन, टारगेट बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, मारने वाले में दम होना चाहिए। अगर आप मार सकते हैं तो यकीनन इन रनों को पूरा किया जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि इन ये रन पूरे नहीं किए जा सकते। वगैरह टीम के बल्लेबाजों को झांसी की रानी की तरह लड़ना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने जिस तरह से स्वराज्य का निर्माण किया, करजाने बनाम पड़जरी, अगला मैच मैं दोनों कप्तानों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। यह व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल आता हुआ 3 रन। 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तमाम दर्शकों का हम स्वागत करेंगे इस मैच में। और यह बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला फाइनल बाउंड्री के बाहर, यह आता हुआ वन बाउंस सीमा रेखा बार, 4 रन। बहुत ही बढ़िया चौवा दागा बल्लेबाज। लगाई और उस बाउंड्री की वजह से उम्मीद का दिया 48 का पीछा करते हुए कंजाड़े बनाम बड़सदरी ठाकुरवाड़ी, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। 5 मिनट के अंदर अगर आप नहीं आए तो दोनों में से कोई देरी करेगा, दोनों कप्तानों से अगर कोई देरी करेगा तो 2 गेंदों की पेनल्टी। देखिए 2 बॉल की पेनल्टी मिल सकती है आपको जो कप्तान देरी करेगा। बड़सदरी बनाम करंजाड़े और मारुति पवार टॉस करेंगे इन दोनों टीमों के बीच। लेकिन यहां पर अच्छी गेंद आती हुई, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है टीम बिलावली की तरफ से। 48 का बचाव जो हो रहा है, लेकिन एक्शन पे रिएक्शन होना चाहिए, वार पे पलटवार होना चाहिए, कश्मकश होनी चाहिए गेंद और बल्ले के बीच, क्योंकि क्रिकेट में अपोजिशन को यह दिखाना होता है कि आप शेर हैं तो मैं हूं सवा शेर, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह व्हाइट बॉल का इशारा हो चुका है। 48 का पीछा करते हुए बैटिंग टीम खेल रही है वगैरह, 8 रन, 8 पे खेल रही है। 40 की अभी भी दूरी तय करनी है उन्हें, और ये 40 रन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा था नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट, क्रिकेट में कोई भी चीज मुश्किल जरूर होती है दोस्तों, लेकिन नामुमकिन नहीं होती, नामुमकिन को मुमकिन करना आपको आना चाहिए। ये व्हाइट बॉल लगातार गेंदबाज के ऊपर दबाव, स्ट्राइकर हैंड के बल्लेबाज जयेश केटी से लाइव, कर्जत टेनिस क्रिकेट लाइव। दोनों टीमों के सपोर्टर्स अगर इस मैच को देख रहे हैं तो दोनों टीम के सपोर्टर्स से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन ये व्हाइट बॉल आ चुका है, इस व्हाइट बॉल को हम कहां से सब्सक्राइब करेंगे? इस व्हाइट बॉल को हम सब्सक्राइब नहीं कर सकते, बल्कि अगर हमें सब्सक्राइब करने का मौका मिला तो हम केटीसी को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नक्कीच प्रवीण सर, विनंती असेल पळदरी ठाकुरवाडी संघाचा कर्णधार इथे उपस्थित आहे तरी मी विनंती करेल करंजाडी संघाचा कर्णधार आपण सुद्धा याच्या नाणेफेकीसाठी आलेले, कृपया विनंती असेल आपण समालोचन कक्षाच्या समोर यायचे, तसेच आयोजकांना विनंती असेल आपण नाणेफेकीचा कार्यक्रम करून घ्यायचे। दरम्यान मी विनंती करेल प्रवीण सरांना आपण सामन्याला सुरुवात करायचे। हां निश्चित तौर पर आप शायद पेन की कमेंटेटर हो, आप मुझे ऐसा लग रहा है, ट्रेड विभाग के हमारे जो सरपंच साहब है,
शुक्रिया। सोनाई माता का आशीर्वाद है चेस कमला के ऊपर। उन्होंने डेढ़ टूर्नामेंट भी की थी, टीमों की कमी थी, लेकिन फिर भी वो टूर्नामेंट सफल साबित हुई थी। संजय संजय दो संजय, एक पतला तो एक जाड़ा, मोटू पतलू की ये जोड़ी पूरे चिंस खामड़ा में मशहूर है, चौक विभाग में मशहूर है ये मोटू पतलू संजय। एक संजय जो पीने का नाम ले रहे हैं, जो पतलू है, एक संजय ऐसा जो पिए बगैर रह नहीं सकते। टीम का टोटल 14 रन। और ये आसान सा कैच और इसी के साथ ही आउट। ठोक डीजे शौरी। तो करंदळे संघ कर्णधार आपण उपस्थित आहात इथे, आणि तसेच बळजी ठाकरवाडी संघ कर्णधार आपण पण इथे उपस्थित असाल। तर समालोचन कक्षाच्या समोर यायचे नाणेफेकीसाठी। काफी बढ़िया कमेंटेटर है हमारे साथ आज की रात में। प्रमोद पाटील पळसधरी बनाम करंजाड़े, मारुति पवार इनके शुरुआत हुई। टॉस किया जाएगा, गेंद थोड़ी देर हवा में थी और इसी के साथ ही आउट। देखिए ऑन फील्ड जो फील्डिंग हो रही है, अवेलेबल टीम की, अंपायर का ओवर की समाप्ति का इशारा, दो ओवर का खेल समाप्ति के बाद 48 का पीछा करते हुए टीम रुकी हुई है 14 पे। अभी भी 34 की दूरी है, गेंदे बची है 12। ठोक डीजे कर्णधार अपन यहाँ करंदळे संघाच कर्णधार अपनी तो वाट पाहत लवकर यहाँ चलो वसंत भरत अपन यहाँ लवकर नाणेफेकी कर। यानंतर आजच्या दिवसातला हा पहिल्या फेरीतला शेवटचा सामना असेल प्रवीण सर, नक्कीच एक जबरदस्त अनुभव असा प्रवीण दिगोडे सर जबरदस्त समाज। एक सूचना येते, हायेस्ट रन टेकर टीमला पाहिजे असेल सुरुवातीच्या लॉट्स मध्ये, ज्या टीमच्या सर्वोत्कृष्ट धावा होतील त्यांना तिसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश मिळेल, आणि त्यानंतर ज्यावेळी दुसऱ्या फेरीचे सामने सुरू होतील त्यावेळी तिसऱ्या फेरीमध्ये जाईल त्याला बाय नसेल, पण त्या दुसऱ्या फेरीच्या सामन्यांमध्ये जो हायेस्ट रन टेकर असेल त्याला बाय असेल। तो पळसधरीने टॉस जीता है, लेकिन इस मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर सुभाष गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए। हाँ संजय वाघमारी के बहुत बड़े फैन कमलू शेठ, उनका हम जरूर स्वागत करेंगे, लेकिन यह व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। व्हाइट बॉल से तीसरे ओवर में रनों का खाता खुल चुका है टीम बैटिंग करने वाली वाघेरा। लेकिन देखिए वाघेरा टीम यहां से भी मैच जीत सकती है, बल्लेबाजों को अपना जमकम दिखाना होगा, शॉट्स लगाने होंगे, बड़े हिट्स लगाने होंगे, क्योंकि बड़े हिट्स के बाद ही ये मैच जीता जा सकता है वाघेरा टीम के लिए। ऐसा नहीं है इन दोनों में क्षमता नहीं है, इन दोनों के कई मुकाबले मैंने यूट्यूब लाइव देखे हैं, हालांकि इनके मुकाबले मैंने ऑन फील्ड नहीं देखे, मतलब दर्शकों की दिक्कत में, लेकिन घर बैठे चलिए यूट्यूब हम शुरू जब करते हैं तो इन दोनों के मुकाबले मैंने देखे थे। चलिए करंजाड़े या पळसधरी टॉस विन कौन हुआ? पळसधरी। देखिए हमारे कमेंटेटर के ऊपर उन्होंने सर, तो निश्चित तौर पर दो टीम के बीच में पळसधरी टीम ने टॉस जीता है। हाँ, जो भी उनका निर्णय होगा वो आम तला का पहुंचे। एक बात तो सही है, उन्होंने जो फैसला किया उस फैसले के ऊपर हम जरूर अमल करेंगे, लेकिन फिलहाल टीम का टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर
17 17 का खतरा किस टीम के ऊपर मंडराएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्रिकेट है। जिस तरह से धर्मेंद्र ने कहा था शोले में चुन चुन के मारूंगा, उसी तरह अगर चुन चुन गेंदों को मारते तो इस मैच को जीतेगी बल्लेबाजी करने वाली टीम। लेकिन गेंद हवा में एक आसान सा कैच, स्थानीय टीम भिलवले अपने उफान पर। कुशल शेठ लोते सोनेवाडी यांच्याकडून जर या सामन्यात वाघेरे संघाने जितके षटकार लगावतील तितकेच पारितोषिक, म्हणजे प्रत्येक षटकाला 100 रुपयाचं पारितोषिक, आणि जर वाघेरे संघ हा सामना जिंकला तर 500 रुपयाचं पारितोषिक कुशल शेठ लोते यांच्याकडून सोंडेवाडी येथून। कुशल शेठ लोते नक्कीच जर आपण पाहिलं तर क्रिकेटचं एक प्रेम आणि नक्कीच चांगलं असं पाठी राखे मांडलेत ते, म्हणजे कुशल होते यांचे मी आजगच्या वतीने पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो। दरम्यान सामन्याकडे होतो, विनंती असेल प्रवीण सरांना की आपण सामन्याला सुरुवात करा। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन दो दिन मैंने कई कमेंटेटर्स को इनाम दिए, लेकिन हमारे शिष्य जो है पवार, इनको मैंने इनाम नहीं दिया। ये इनाम के काबिल तब होंगे तब मैं उनको इनाम सबसे बड़ा दूंगा, सबसे बड़ा। ये डॉट गेन आई और उस डॉट गेन की वजह से रुकावट टोटल वहीं पर 48 का पीछा करते हुए 17 रन 31 की अभी भी दूरी, गेंदे बची है। देखिए दो ही गेंदे बची है तीसरे ओवर की, आसान सा मैच है ये बिलवले टीम के लिए। इतनी दूर से ये टीम आई है बल्लेबाजी करने वाली टीम, लेकिन उतना अच्छा खेल नहीं पा रही है। तो क्यों रुक रहा है शौर्य? अपना मुकाबला जीता था रोहित शर्मा की हमने धन्यवाद दीजिए, एक शानदार पारी देखी थी। लेकिन इस मैच में वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये मैच एक तरफा चल रहा है भिलवले के पक्ष में। एक ही रन यहाँ पे मिलेगा, देखिए इक्का दुक्का से आपको रन पूरे नहीं होंगे, आपको दो तीन बाउंड्रीज लगानी होगी। बाई के तौर पर ये इशारा आ चुका है, एम्पायर का ओवर समाप्ति का भी इशारा आ चुका है। टीम का टोटल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18, आने वाली 6 गेंदे और तीस रनों की जरूरत, 6 गेंदे 30 रन आखिरी ओवर। बिलवले के पक्ष में ये मैच है, इतनी दूर से ये टीम आई है बल्लेबाजी करने वाली वाघेरा, तो कुछ ना कुछ दमखम उन्हें दिखाना जरूरी था। जिस तरह अगर हम आदिवासी बांधवों के बारे में जिक्र किए जिक्र करेंगे तो कुंडेवाड़ में समाधान वास्कर के साथ साथ समाधान कातकरी क्या ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पे ये डॉट गेन आती हुई विनंती असेल प्रकाश मुकणे, आपण कुठेही असाल कृपया समोरच्या लक्षकाने संपर्क साधायचा। संजीव वाघमारे आपले इथे वाट पाहत आहेत, प्रकाश मुकणे आपण कुठे असाल कृपया संपर्क साधायचे समालोचन कक्षाकडे। और ये नंबर आया 4, पहली गेंद के ऊपर 5 रन आ चुके हैं, क्यों नहीं बन सकते रन, बन सकते हैं, मारने वाले में उद्यम होना चाहिए। ठोक डीजे तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पे क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए 48 का पीछा करते हुए बैटिंग करने वाली टीम पहुंच चुकी है 23-25 की दूरी तय करनी है और गेंदें बची हैं 4, हो सकता है ये डॉट गेंद की वजह से 18 गेंदे अब 24 रनों की जरूरत है। एक तरफा मैच है फील्डिंग करने वाली टीम के सामने, क्योंकि कंपल्सरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन, वही दिशा वही लाइन और वही शॉट। 3 ही खिलाड़ी इस गेंद के ऊपर खेलने के लिए मजबूर हुए थे, विकेट कीपर, बल्लेबाज और उनको डालने वाले गेंदबाज।
अनमोल जो इस बात ना एक ही रन यहाँ पे हुआ है, सात गेंदे अब सात गेंदे सात गेंदे 24 की दूरी। ये मैच का आखिरी गेंद है क्या? आखिरी गेंद और रन कितने चाहिए? 25, मैंने 24 कहा था। देखिए ऐसा होता है कभी कभी, दिन रात कमेंट्री करने के बाद हमें भी नहीं समझ में आता कि हम क्या